कांग्रेस उम्मीदवार पंकज संघवी के चुनाव प्रचार के लिए आए कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर आड़े हाथों लिया और कई आरोप लगाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने पूछा, क्यों आज जीएसटी और नोटबंदी जैसे मुद्दे आज चुनाव से गायब हैं? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में इसका जिक्र नहीं कर रहे? वहीं उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 6 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवाल पूछे, लेकिन मोदी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो भगोड़े हो गए। वहीं प्रधानमंत्री को दुल्हन की संज्ञा देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उस नई दुल्हन की तरह है जो रोटी कम बोलती है लेकिन चूड़ियां ज्यादा खनकाती है। ज्यादा गंदी हो गई, ठीक है। तुमने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें से 700 करोड़ में से 400 करोड़ मोदी ने अपनी फोटो खिंचाने के लिए लगाए। प्रचार मंत्री 12,000 करोड़, ऑयल कंपनियों ने भी लगवाए। तेल 11 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी पे इकट्ठा किया है तेल के ऊपर। यूपीए ने हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 4 लाख करोड़ इकट्ठा किया था, इन्होंने 11 लाख करोड़ इकट्ठा किया। सारे किसानों का टोटल मिला के 11 लाख करोड़ रुपया कर दिया है। और इनके टाइम डॉलर कच्चे तेल की कीमत $40 की थी, और जब सरदार मनमोहन सिंह थे $150 प्रति बैरल। ये सारा डिजिटल इंडिया अमृत, ये अपने गांव को सही नहीं रख सके मोदी साहब किसी चीज पे। यार डेवलपमेंट मैं कह रहा हूं किसी चीज पे, नमामि गंगे, नेशनल गंगा काउंसिल की एक बार मीटिंग नहीं ली, जलियांवाला बाग की एक बार मीटिंग नहीं ली, स्किल इंडिया सिर्फ 12% लोगों को स्किल मिली, 40 करोड़ बोले, 40 करोड़ से 40 लाख और उसमें से भी 6 लाख को नौकरी मिली। लो सर, थैंक यू वेरी मच। सिद्धू भाजी विरोध हो रहा है इस बात का, राम मंदिर मामले में तमाम कांग्रेसी इस केस लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज कोई भी आदमी अगर प्रूव होता है कि वो देश के खिलाफ है, पार्टी का सवाल ही कहां है। मैं तो कहता हूं गुरु बताओ ना, मैं तो कहता हूं कि तुम कहते थे 90 लाख करोड़ रुपया मैं वापस लाऊंगा। अरे वो ब्लैक मनी यूरो को तगड़ा कर रही है, वो ब्लैक मनी प्रॉपर्टी के रूप में पड़ी है, सोने चांदी के रूप में पड़ी है, वो डॉलर को तगड़ा कर रही है, रुपया गिरता जा रहा है। एक बंदे का नाम नहीं बताया, 24 लाख करोड़ रुपए ये सरकारी बैंकों के चोरी करके ले गए, इनका नाम नहीं बताया। आरबीआई का गवर्नर भाग गया, वो कहते हैं 17 बंदों की लिस्ट लो, इनको अंदर दो, इनको ठोको, किसान को अंदर देते हो 2 लाख रुपए के लिए, इनको 46,000 करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपए इनकी इनकम अभी भी बढ़ रही है। कहां है अडानी के जहाज में जाके फुर रफाल की फाइल फुर। मैं कहता हूं क्या तुम कहते थे, मैं क्या कह रहा हूं, तू ना इधर उधर की बात कर, बता हिंदुस्तान का खजाना क्यों लूटा, बता। नहीं आपकी पार्टी का आप व्यू रखेंगे, आपकी पार्टी का व्यू रखेंगे, आपकी पार्टी का व्यू तो रखेंगे। मेरा आपसे सवाल है कि आप पूर्व में भाजपा में रहे हैं और जब भाजपा में थे तब राहुल गांधी को पप्पू बिल्कुल नहीं सुन सुन और अब उसको प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आंधियों में जीता, ये जाके उन चोरों डाकुओं और तस्करों के साथ खड़े हो गए। मुझे इन्होंने कहा तमिल वहां से लड़ इलेक्शन क्या कहते हैं कुरुक्षेत्र से 3 लाख से जीतेगा, मैं 3 लाख से जीता, मैं लड़ा छोड़ा, जेटली साहब आए 1.5 लाख से ठोके। सुन ले आगे सुन, राज्यसभा दी, एक हिंदुस्तान में बंदा बता दोस्त जिसने 6 साल की राज्यसभा इनके मुंह पे मारी हो और कहा हो कि पंजाब नहीं छोड़ूंगा, अपनी जग नहीं छोड़ूंगा, किसी असूल पे छोड़ी, इसलिए छोड़ी कि ये डाकुओं के साथ खड़े थे, ड्रग्स बेचने वालों के साथ खड़े थे, और उसके बाद जब शामिल होके गया 78 सीटें आई, 7 इलेक्शन हुए पंजाब में, 7 के 7 जीते। तुम्हारा जवाब दे दिया, आगे बोलो। सर टाइम मैगजीन ने विपक्ष को कमजोर भी बोला इसको, मैं क्या कह रहा हूं, ये मैं तुम्हें इतनी बात बोल रहा हूं कि मैं इनको लायर इन चीफ कह रहा हूं, पहली बात, झूठा नंबर वन, ये मैं ठोक के कह रहा हूं, फेंकू नंबर वन, मैंने कहा मेरी शिकायत करते हैं। दूसरा मैं इनको डिवाइडर इन चीफ कह रहा हूं कि ये जात पात के नाम पे देश को बांट रहे हैं, ठीक है। और तीसरा मैं इनको लास्ट चीज कह रहा हूं कि इनको मैं बिजनेस मैनेजर अडानी अंबानी का इन चीफ कह रहा हूं, किसी बात पे अगर इनको वो है तो मेरा खंडन करें। नरेंद्र मोदी की वो कहते हैं कि इनकी सरकार बनेगी तो कश्मीर मुद्दा जो है सुलझ जाएगा, कैसे देखते हैं? तू ना इधर उधर की बात कर, बता हिंदुस्तान का खजाना क्यों लूटा। आगे सर, मोदी साहब ने ये कल एलिगेशन लगाया पंजाब की रैली में कि करतारपुर साहब जो पाकिस्तान में है
ये कांग्रेस की ऐतिहासिक गलती के चलते उधर चला गया। मैं कहता हूँ इसका इस देश के विकास के साथ क्या कंसर्न है, इसका गरीब किसान के साथ क्या कंसर्न है, इसका इन मुद्दों के साथ क्या कंसर्न है, मोदी जी के 342 संकल्पों के साथ क्या कंसर्न है, जीएसटी के साथ क्या कंसर्न है। फिर वही बात मैं कह रहा हूं, ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है झूठा प्रधानमंत्री, ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है। आज इसके पास, सी दिस इज अ रिफ्यूज ऑफ अ फेल्ड गवर्नमेंट, इट्स अ फेल्ड गवर्नमेंट व्हिच हैज गॉट नथिंग टू शो एंड दैट इज व्हाई ये मुद्दे इस तरफ जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। सवाल सत्ता पक्ष को होते थे, जब कांग्रेस सरकार में थी ना तो सवाल कांग्रेस को होते थे। अब जो मोदी जी ने करना है और जो मोदी जी ने 5 साल किया है और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे हैं, इसीलिए राष्ट्रवाद की शरण में, सवाल उनको होंगे। हम आज की बात करें तो क्या हत्या है, क्या होना लाजमी मानते हैं आप? देखिए भाई, मेरे लिए उन्होंने क्या कहा ये जरूरी नहीं है, मैंने क्या कहा आप उससे उसके ऊपर से आप ही के पार्टी के नेता हैं। अरे भाई मुझे वोट दीजिए, वोट दीजिए, मैं कैसे टिप्पणी करूं, उन्होंने सवारी अपने सामान की कुछ मैं वाला बस छोड़ो, देखो पट्टी लगी सिद्धू जी। हां जी, आप नीरव मोदी, आरबीआई की वार्निंग, आरबीआई ने गवर्नमेंट को वार्निंग दी कि ये बंदा डिफॉल्ट करेगा, ये बंदा पैसे नहीं करेगा, 11,400 करोड़ का लोन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट, आम ट्विस्ट, रिलायंस को, माल्या को, सब पैसे वापस आए। आपने आज तक इनको नोटिस क्यों नहीं भेजा, पूछो ना। आपने आज तक 90 लाख करोड़ रुपया जो विदेशों में स्टैक्ड है, ये सोचते हैं कि गरीब के 500 जमा करा के काला धन वापस आएगा, इनको पूछो कि 90 लाख करोड़ रुपया जो जमा था, 15 लाख तुमने गरीब की जेब में डाले थे, 6,000 बंदों की लिस्ट है, एक का नाम नहीं दिया, तो क्या जरूरत थी ऊंची आवाज में बोलने की, बहनों भाई हो लाख तुम्हारी जेब में डालूंगा है। 17 बंदों की राजन लिस्ट एनपीए की, एक का नाम नहीं लिया। आगे आओ, जेठमलानी साहब ने हाईकोर्ट में केस डाला, इन्हीं के वो थे मेंबर, फिर सुप्रीम कोर्ट में डाला और सुप्रीम कोर्ट में 30 लाख करोड़ सीबीआई का एफिडेविट। जर्मनी ने कहा कि हम नाम बताने के लिए तैयार है साहब, इनको पूछो क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं बताया हिंदुस्तान को, क्यों उसे खुला नहीं किया। अडानी पावर कहती है जी हम बैंकक्रप्ट होने वाले हैं, टेंडर डाली हुई बिजली, कहते 2 रुपए बढ़ा लो। कभी सुना था ये राष्ट्रवाद है, ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है नरेंद्र मोदी? अडानी कहता मैं बैंकक्रप्ट हो रहा हूं जी, करे रहेंगे नहीं तुम है। सुना है सरहदों पे तनाव है, जरा पता तो करो क्या चुनाव है, भाग रहे हो, भगौड़े हो मुद्दों से, और अब मोदी जी की आर्मी तुम्हारी हो गई, फौज के कंधों से कोई पहली कोई इंस्टीट्यूट छोड़ी थी, सीबीआई मजबूर लाचार करके रबड़ का गुड्डा बना दी, चाबी जेड़ के छोड़ते हो, न्यायपालिका उच्च न्यायपालिका चौराहे पे आके तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, चीफ जस्टिस के खिलाफ और 6 इल्जाम लगाते हो क्योंकि इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। और आज योगी जी कहते हैं मोदी जी की आर्मी, अरे ये फौज, वो योगी सत्ता के लोभी खुल गई तेरी को भी। मैं कहता हूं ये फौज हिंदुस्तान के लिए जंग लड़ने के लिए है, तुम्हारे इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है। बंद करो अपना कूड़ प्रचार और सामने आके जवाब दो इस हिंदुस्तान को, इन्हीं के लोग कहते हैं नेशन वॉन्ट्स टू नो, बोलो नेशन वॉन्ट्स टू नो, बताना कहां भागता है राष्ट्रवाद की शरण में, ये राष्ट्रवाद है तेरा। हेलो, आगे लो, ये सुन लो आप, फाइटर एयरक्राफ्ट 60,000 करोड़ और डीआरडीओ चाचा नेहरू के टाइम का, एचएएल जिनको एक्सपर्टीज है, जिनको अनुभव है, आदमी सेवक रखता है तो पूछता है कहां काम किया, कितना काम किया, क्या एक्सपीरियंस है, हाँ? उनको काट के स्वीडन में 60,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सिंगल इंजन फाइटर्स का, इजराइल में अनिल अंबानी एयर टू एयर मिसाइल 65,000 का कॉन्ट्रैक्ट, 65,000 खरीदते हैं 7,500 करोड़, उसको रिलायंस डिफेंस का नाम देते हैं, ना कमानी ना भैया, गाड़ी जोते अंबानी भैया,
कमबख्ती की निशानी सूख गया कुएं का पानी, 7,500 करोड़ डूबी हुई कंपनी, और उसको 25 दिन में मोदी साहब पहला कॉन्ट्रैक्ट रशिया में 45,000 करोड़ का ठाए करके दे देते हैं, कोई मुकर नहीं। मैं कह रहा हूं एक बात पे आके बहसे, एक बात पे आके मेरा खंडन करें, राष्ट्रवाद की शरण में गया प्रधानमंत्री आज चुप क्यों है, मौन क्यों है, 5 साल विकास की बातें करते हुए झूठ बोलते हुए थका नहीं जो आज इन बातों का जवाब नहीं दे सकता। बांग्लादेश में सुनिए साहब, बांग्लादेश में बिजली एनटीपीसी बेचती है 3 रुपए में टेंडर लगा के, आप टेंडर सब समझते हैं, प्रेस वाले हो आप तो खोद के निकाल लेते हो कोई भी बात है? टेंडर लगा के एनटीपीसी 3 रुपए में बिजली बेचती है, और साहब जाते हैं हवाई जहाज में अपने बिठा के अडानी और अंबानी को, 2 बिलियन का एक को, 3 बिलियन का एक को 6 रुपए में बिजली बगैर कॉन्ट्रैक्ट, बगैर किसी टेंडर, एनटीपीसी मार डाली। इसी तरह बीएसएनएल को आज तक 4G नहीं दिया, 5,50,000 करोड़ की कंपनी का घाटा दिखा के ये जियो धनाधन को देंगे, वो 913 करोड़ रुपए। देखिए आप, मैं ये कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा हूं प्रधानमंत्री साहब, तभी तो ये नोटबंदी की बात नहीं करते, रात को नोटबंदी अनाउंस करते हैं हाँ जी, और सवेरे पेटीएम की ऐड आती है, रात को 12 बजे नोटबंदी अनाउंस होती है, फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं है हिंदुस्तान की, और सवेरे हर अखबार में इनकी पेटीएम की प्राइवेट कंपनी की ऐड छपी होती है, और हंसता हुआ नूरानी चेहरा इनका रिलायंस के पंपों पे छपा हुआ है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा इनका आप देखिए जियो तंग दनादन के साथ छपा हुआ है, जियो तंग दनादन, ये नहीं छापेंगे अपना हंसता हुआ नूरानी चेहरा बीएसएनएल के साथ, डीआरडीओ के साथ, HAL के साथ, MTNL के साथ, ये सब सरकारी कंपनियां डूब गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, BSNL, BHEL, फिर 9000 करोड़ के फायदे में 2014 में नरेंद्र मोदी साहब आए, 2 साल में घाटे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2092 करोड़ के फायदे में आज 4000 करोड़ के घाटे में, और अंबानी साहब सुनो भैया, अंबानी साहब 3 महीने का फायदा 10,000 करोड़, लिख लो ताकि खंडन करे प्रधानमंत्री, मैं तो तब से आ जावे माही तेनू अखियां उड़ीक दिया, ना बैठ, हाँ बैठ, यहां बैठ ना, यहां बैठ और सारी प्रेस के सामने बता, आ जावे माही तेनू अखियां उड़ीक दिया। मैं कहता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि आज जब रिलायंस 3 महीने में 10,000 करोड़ रुपए कमा रहा है, 1 क्वार्टर का प्रॉफिट, तो हमारे पोस्टल सर्विसेज 15,000 करोड़ के घाटे में, लिखो, मैं तो कहता हूं दम से लिखो है, ये तो उस चौकीदार का, दुनिया कहती है चौकीदार चोर है, क्यों कहती है, क्योंकि चौकीदार सिर्फ अडानी अंबानी के घर के बाहर खड़ा है, ना गरीब के घर के बाहर खड़ा है, ना किसान के घर के बाहर खड़ा है, ना किसी झोपड़पट्टी के बाहर खड़ा है, पहले कहता था जागते रहो, अब इनके हाथ में पैसे देके कहता भागते रहो। नीरव मोदी के खिलाफ RBI ने 1100 करोड़ रुपए के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया, इसको लोन नहीं देना, फिर दिया 1140। किधर की मौत आती है, शहर की तरफ भागता है, ये गोदी में बैठ गया मोदी साहब की डायवोर्स में, इनके नाते नहीं, कौन था वकील चौकसी का पता करो, भाजपा के बड़े नेतों के बेटी बेटियां थी कि नहीं पता करो, पता तो करो कौन है इनका करता धरता। ये देखिए साहब, ये आंकड़े हैं, मोदी साहब आज तक मौन है, बोले नहीं, बिल्कुल मौन है, इनडायरेक्ट वार करते हैं पीछे, मैं सीधा छाती पे ठान लो। ONGC 2013 में 1,07,979 करोड़ रुपए, ये कैश है, ये हाथ में है भाई, कैश ONGC के पास कैश है 1,07,998, आज 2017-18 में 296 करोड़, धिक्कार है नरेंद्र मोदी। ओ BSPCL डूबी हुई 20,000 करोड़ की कंपनी गुजरात की, ONGC को कहते खरीदो इसको, वो कह रहे जी ये घाटे का सौदा हम क्यों करें, क्या खरीदो, हमारी मर्जी, हमें लोगों ने सरकार बना दी, हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी, तुम कैसे ना करोगे, खरीदो। ONGC
का 11,000 करोड़ रुपए का तेल चोरी किया रिलायंस ने केजी बेसन से टेढ़ी पाइप करके, शाह कमेटी बैठी कहा वापस करो, तभी तो ये नोटबंदी की बात नहीं करते हो। रात को नोटबंदी अनाउंस करते हैं हाँ जी, और सवेरे पेटीएम की ऐड आती है, रात को 12 बजे नोटबंदी अनाउंस होती है, फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं है हिंदुस्तान की, और सवेरे हर अखबार में इनकी पेटीएम की प्राइवेट कंपनी की ऐड छपी होती है, और हंसता हुआ नूरानी चेहरा इनका रिलायंस के पंपों पे छपा हुआ है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा इनका आप देखिए जियो तंग दनादन के साथ छपा हुआ है, जियो तंग दनादन। ये नहीं छापेंगे अपना हंसता हुआ नूरानी चेहरा बीएसएनएल के साथ, डीआरडीओ के साथ, एचएएल के साथ, एमटीएनएल के साथ, ये सब सरकारी कंपनियां डूब गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, बीएसएनएल, बीएचईएल फेल, 9,000 करोड़ के फायदे में 2014 में नरेंद्र मोदी साहब आए, 2 साल में घाटे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2,092 करोड़ के फायदे में आज 4,000 करोड़ के घाटे में, और अंबानी साहब सुनो भैया, अंबानी साहब 3 महीने का फायदा 10,000 करोड़, लिख लो ताकि खंडन करे प्रधानमंत्री, मैं तो तब से आ जावे माही तेनू अखियां उड़ीक दिया, आना बैठ, आ बैठ यहां, बैठना यहां बैठ, और सारी प्रेस के सामने बता आ जावे माही तेनू अखियां उड़ीक दिया। मैं कहता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि आज जब रिलायंस 3 महीने में 10,000 करोड़ रुपया कमा रहा है, 1 क्वार्टर का प्रॉफिट, तो हमारे पोस्टल सर्विसेज 15,000 करोड़ के घाटे में, लिखो ऐसा कहता हूं दम से लिखो। और कह रहा अरविंद केजरीवाल क्या कह रहा, अगर अगर मेरी चाची के मूंछें होती तो मैं उसे चाचा ना कहता, तो कोई पोजीशन चाहिए, पहली बार काम कर रहा हूं राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, पहले कह चुका हूं मेरा सपना है सरदार मनमोहन सिंह, एक विराट शख्सियत है हिमालय पर्वत, मैं जर्रा हूं, मैंने कभी मोदी की तरह डींगे नहीं हांकी, लेकिन सत्य बोलने में तगड़ा हूं, और सत्य प्रताड़ित तो होता है पराजित नहीं होता, और इसीलिए कह रहा हूं कि आए थे 2014 में नमामि गंगे बोल के गंगा साफ कर दूंगा, गंगा के लाल बन के, और नरेंद्र मोदी कर लो शिकायत जाओगे 2019 में राफेल के दलाल बन के, क्या कहना था आपको, नोटिस मिला है किसी को, त्रिपाठी जी का मोबाइल नंबर दे दो,